वो कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए वो कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो इस तरह के लहजे में वो बोलती है। अब कैप्टन साहब भी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ बताओ ना। इस पर वो कहती है कि दरअसल मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुन के कैप्टन साहब थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। दरअसल उस दिन जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने थे उसके बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये समाचार ये बात जब ये कैप्टन साहब मिलने के लिए आते हैं स्टेशन से तो वो उनसे कहती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर कैप्टन थोड़े देर चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अबॉर्शन करवा लो। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। इसका स्ट्रेसा का जो ये सवाल था बिल्कुल सीधा और सपाट, ये ऐसा सवाल था कि कैप्टन तो पूरे देर के लिए हड़बड़ा गए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विनोद झा और स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में। दोस्तों आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है, इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि स्वागत करता हूं मैं आज आप सभी दोस्तों को आज के इस सोशल स्टोरी में। तो आज मैंने सोचा चलो इन सब से हटकर थोड़ा अपने दिमाग को आराम देते हैं और सुनने वाले को भी मन को शांति मिले, उसको भी खुशी मिले। ये कहानी सुनकर वाकई दोस्तों आपको सुकून जरूर मिलेगा। ये ऐसी कहानी है आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह की कहानी कम ही सुनने को मिलती है। अक्सर हम आप लोगों को क्राइम स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कत्ल हुआ, अवैध संबंध हुआ, लेकिन इन सबसे हटकर ये कहानी है। इसीलिए आज इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है जिसके राइटर हैं नरेंद्र कुमार टंडन। मैं ये कहानी पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आज मैं ये कहानी अपने दोस्तों से जरूर शेयर करूंगा। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी है अपने देश की एक कैप्टन होते हैं शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता अपनी टुकड़ी के साथ अफ्रीकन देश में गए होते हैं। दरअसल सभी देशों के बीच में संयुक्त राष्ट्र से एक संधि होती है कि हमारे जितने भी मित्र देश होते हैं अगर उन देशों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे देश अपने सैनिक सहायता उस देश में भेजती है। इसी के आधार पर अपने देश से कैप्टन शेखर गुप्ता के देखरेख में करीब 100 सैनिक की एक टुकड़ी अफ्रीकन देश गई हुई थी वहां के हालात को संभालने के लिए, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध जैसा स्थिति था। वहां की जो सरकारें थी वो आतंकवाद जैसी विचारधारा को दबाने में नाकाम हो रही थी, इसीलिए वहां की जो सरकार है वो संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगती है और इसी तरह अपने जितने भी मित्र राष्ट्र देश हैं वो उसको मदद के लिए जाते हैं। इसी तरह मदद के लिए अपने देश की कुछ सैनिक वहां पर गए हुए थे। फिर क्या होता है, कुछ दिन वहां पर रहने के बाद उन सभी लोगों से अपने सैनिकों की मुठभेड़ होती है और ज्यादातर सैनिक अपने वहां पर घायल हो जाते हैं। उसके बाद उन सभी सैनिकों को एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दरअसल ये हॉस्पिटल का बहुत बड़ा कमरा होता है, बहुत बड़ा वार्ड होता है। उस वार्ड में लाइन से बहुत सारी बेड बिछी हुई होती है और उसी बेड पर जितने भी घायल सैनिक होते हैं सबको इलाज के लिए लाया गया था। उन लोगों के साथ साथ दूसरे पेशेंट भी वहां पर थे। इन्हीं सभी बेडों में से एक बेड पर कैप्टन शेखर गुप्ता भी थे। अचानक कैप्टन शेखर गुप्ता की जो बेड है वो एक पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर उस रूम में सिर्फ उन्हीं का बेड था और किसी का नहीं था। ये देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस अफ्रीकन देश में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनको इतने अच्छे तरीके से जानते हैं जिसके वजह से उनको एक अच्छा सा बेड दिया गया है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे।
जब ये सोच ही रहे थे कि इतने देर में एक वहां पर नर्स आती है। उस नर्स का नाम है एस्ट्रेसा गार्बो। वो नर्स आती है और सबसे पहले कैप्टन की तरफ देखती है और कैप्टन से पूछती है कि आप ठीक तो हैं। इस पर कैप्टन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो उसका नब्ज देखती है, कैप्टन का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसके नब्ज पे ऐसे करके अपना उंगली रखती है और वो ये समझ जाती है कि उनका जो नब्ज है बिल्कुल सामान्य है। उसके बाद वो कैप्टन का माथा हाथ रखती है कि बुखार तो नहीं है, तो बुखार भी नहीं होती है। उसके बाद वो कहती है कि दरअसल आपको एक इंजेक्शन देनी है। वो इस तरह से इंजेक्शन लेती है और दवाई भर रही होती है और उसके बाद उसकी नज़र कैप्टन साहब के तरफ जाती है और कैप्टन साहब का भी जो नज़र है उनसे मिलती है और कैप्टन साहब ये महसूस करते हैं कि उसकी नज़र में, उस नर्स की नज़रों में उनके लिए एक तरीके का प्यार था। वो इन चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। इसके बाद वो जो नर्स थी वो बहुत ही तजुर्बेकार नर्स थी। उन्होंने बड़े आराम से कैप्टन को इंजेक्शन लगाया और कैप्टन को महसूस भी नहीं हुआ तो उसको इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद वो एकदम तेज तरार आवाज़ में बोली कि अपना मुंह खोलिए। फिर वो अपना मुंह खोलते हैं और उसके बाद वो एक टैबलेट देते हुए उनको कहते हैं कि लिए खा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उनको दवाई देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वो तो चली जाती है लेकिन कैप्टन के भी मन में कहीं ना कहीं उसके लिए एक अजीब सी फीलिंग हो रहा था अंदर ही अंदर। वो इस चीज को महसूस कर रहे थे। अब दिन में लगभग दो बार डॉक्टर आते थे चेकअप के लिए और दो दिन के बाद उनकी पट्टी भी चेंज की जाती थी। लेकिन इनके बीच में ये जो नर्स थी एस्ट्रेसा, वो बराबर आती जाती रहती थी इनके कमरे में। इस तरह इन दोनों के बीच में काफी अच्छी तालमेल भी हो गई थी। अब इनके जो दोस्त थे कैप्टन के, वो सारे दोस्त हैरान और परेशान थे। वो आपस में एक दिन बातचीत कर रहे थे कि अपने कैप्टन साहब तो बड़े लकी हैं और वो तो छुपा रुस्तम निकले। न जाने कब इस नर्स से अपने प्यार का पेंच लड़ा लिया कि कैप्टन साहब को एक बड़ा सा कमरा भी मिल गया और एक नर्स भी मिल गया जिसके साथ वो मौज मस्ती भरे बातें करते हैं। इस पर दूसरे साथी कहते हैं, अरे भाई वो अपने कैप्टन हैं, कैप्टन ऐसे ही थोड़े बने हैं, काफी तजुर्बेकार है। इस पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन का समय बीतता है। अब धीरे धीरे वो लोग ठीक होने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं और धीरे धीरे कैप्टन का जो घाव है वो भी भरने लगता है। फिर एक दिन वो एस्ट्रेसा आती है एकदम नॉर्मल कपड़े में। वो काले रंग की स्कर्ट पहनी हुई होती है और उसके सिर पर एक कॉटन का हैट होता है जो काफ़ी, उस ड्रेस में वो नर्स बहुत सुंदर लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसका ये रूप देखकर कैप्टन भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे और वो आते ही कैप्टन से बोली कि आप कैसे हैं। तो वो बोले कि मैं ठीक हूँ। इस पर वो कहती है कि चलो आज वहीं घूमने चलें। इस पर वो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि जब से वो इस देश में आए थे करीब 2 महीने का टाइम हो गया था, तो ये घूमने फिरने का तो कभी ये सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि फौजी का जो ड्यूटी होता है 24 घंटे का होता है और ये घूमने फिरने का तो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो इनको इस तरह सोच में पड़ा हुआ देख कर वो कहती है कि क्या बात है, लगता है आप सोच में पड़ गए, क्या आप जाना चाहेंगे घूमने फिरने के लिए। उस पर वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं और फिर काले रंग की पैंट और शर्ट पहनते हैं और सफ़ेद चमड़े का जूता पहनते हैं और उसके बाद अपने रूम से बाहर आते हैं। ये देखकर एस्ट्रेसा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या बात है कैप्टन साहब, लगता है आपने मेरे ड्रेस की नकल कर ली। इस पर वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहती हो कि मैं ये ड्रेस ना पहनूँ तो मैं सफ़ेद सूट पहन लेता हूँ। लेकिन वो कहते नहीं, इसमें आप बहुत अच्छे लगते हैं और उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन एस्ट्रेसा कहती है कि एक कमी है। वो कहते हैं कि क्या कमी है। वो कहती है कि एक काम करिए, आप ना एक
कोई चमकीले कलर का टाई पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो ग्रे कलर का टाई पहनते हैं, उसके बाद तो वो कमाल के दिखने लग जाते हैं। काली पैंट, काले शर्ट, सफेद जूता और ग्रे कलर का टाई, वाह बेहद खूबसूरत। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं घूमने के लिए। अब हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ होते हैं उन सबकी नजर इन्हीं दोनों पर होती है, क्योंकि ये जोड़ा देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, हर कोई इनके तरफ ही देख रहा था। इसके बाद स्ट्रेसा कैप्टन को लेकर के हॉस्पिटल से बाहर आती है। अब बाहर आते ही वो एक टैक्सी को इशारा करती है, तो एक वहां पर एक टैक्सी आती है, रुक जाती है। फिर उस टैक्सी में दोनों बैठते हैं और वहां से चल निकलते हैं। और जाते जब सफर में दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी करते रहते हैं। और फिर वो स्ट्रेसा कैप्टन को लेकर एक शानदार रेस्टोरेंट में जाती है। वो रेस्टोरेंट इतना शानदार था कि अब कैप्टन साहब को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इस तरह पिछड़ा हुआ देश, अफ्रीकन देश, उसमें इस तरह का रेस्टोरेंट भी हो सकता है। रेस्टोरेंट बेहद शानदार था। वो दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अब रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ उसी हॉल में एक डांसिंग टेबल लगा हुआ था, उस पर सभी लोग डांस कर रहे थे। ये दोनों उन लोगों की तरफ देख रहे थे। इस पर एस्ट्रेसा कहती है कि आपको नाचना आता है? इस पर कैप्टन साहब नहीं में सिर हिलाते हैं कि नहीं। तो वो कहती है आप सीखना चाहेंगे? तो कहते नहीं नहीं ये सब मेरे से नहीं होगा। इसके बाद दोनों उस रेस्टोरेंट में खाना वाना खा करके फिर से वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल। अब इधर हॉस्पिटल आने के बाद अब इनके जितने भी दोस्त थे वो सब भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, और खाना वाना खा करके फिर से ये लोग हॉस्पिटल लौट आते हैं। और फिर जब भी मौका मिलता ये दोनों घूमने फिरने के लिए चले जाते। और दरअसल वो जो स्ट्रेसा थी उसको उसी हॉस्पिटल में उसका घर मिला हुआ था उसको रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो एक शहर में एक फ्लैट ले रखी थी जिसमें वो अकेली रहती थी। वो कुंवारी थी और अपना एक कैप्टन भी बिल्कुल कुंवारा था। अब कभी कभी ये दोनों अपने उस फ्लैट में भी जाकर मिलने लग जाते हैं। और इसी तरह मिलते मिलते ये दोनों हदें पार कर देते हैं और दोनों जवान दिल होते हैं। हालांकि वो देखने में कैप्टन के लायक तो नहीं थी एस्ट्रेसा, क्योंकि वो देखने में काली थी। दरअसल अफ्रीकन देश की जो औरतें होती है ज्यादातर काली होती है, ऊपर से उन लोगों का मोटा सा होठ होता है और उसके जो बाल होते हैं वो भी छोटे छोटे ऐसे छल्लेदार, आपने देखा होगा अफ्रीकन जो लोग होते हैं उसके ऐसे छल्ले छल्ले वाले बाल होते हैं, काला बदन होते हैं, भारी बदन होते हैं। किसी भी तरीके से एस्ट्रेसा कैप्टन के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों जवान दिल थे और सेक्स की चाहत तो जवान दिल को होती होती है। तब उन दोनों को भी ऐसी चाहत हो गई और इसी तरह मिलते जुलते एक दिन दोनों ने हदें पार कर दी और एक दूसरे में समा गए। दरअसल उस दिन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गए। उसके बाद तो ये लोग अक्सर भी मिलने जुलने लगे। अब कुछ दिन के बाद होता यह है कि सभी अपने जो फौजी होते हैं वो लगभग ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद वो सब अपने अपने काम पर लौटने लगते हैं। और इसी तरह कुछ दिन का समय बीतता है, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि इन लोगों को लौटने का वक्त हो जाता है। दरअसल उस देश में इन लोगों का काम खत्म हो चुका होता है, अब इन्हें अपने देश में लौटना होता है। इस पर एक दिन कैप्टन जाते हैं एस्ट्रेसा के उसी फ्लैट में और वहां पर एस्ट्रेसा मिल जाती है और एस्ट्रेसा को कहते हैं कि अब हम लोग यहां से जा रहे हैं, अब हमें जाना पड़ेगा। इस पर एस्ट्रेसा कुछ गंभीर हो जाती है, वो कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए वो कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। वो इस तरह के लहजे में वो बोलती है। अब कैप्टन साहब भी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ बताओ ना। इस पर वो कहती है कि दरअसल मैं
प्रेग्नेंट हो गई हूं। ये सुन के कैप्टन साहब थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। दरअसल उस दिन जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने थे उसके बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये समाचार, ये बात जब ये कैप्टन साहब मिलने के लिए आते हैं स्टेशन से, तो वो उनसे कहती है कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये सुनकर कैप्टन थोड़े देर चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अबॉर्शन करवा लो। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। इसका स्ट्रेसा का जो ये सवाल था बिल्कुल सीधा और सपाट, ये ऐसा सवाल था कि कैप्टन तो थोड़े देर के लिए हड़बड़ा गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। इस पर फिर स्ट्रेसा ही बोली कि कोई बात नहीं, आप पर कोई दबाव नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका जैसा मन हो आप वैसा करिए, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। इस पर वो कहते हैं कि बिना बाप का ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो लोग इसको नाजायज औलाद कहेंगे, हरामी भी कह सकते हैं। इस पर वो बिल्कुल गंभीर हो जाती है और वो बहुत ही तजुर्बेकार भरे लहजों में कहती है कि कैप्टन साहब, बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, वो नाजायज या हरामी नहीं होता है। आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, और हमारा जो ये देश है ना, इस देश में किसी भी बच्चे से उसके बाप का नाम नहीं पूछा जाता है, वो उसकी मर्जी है, वो बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकते हैं। हमारा समाज इतनी छोटी नहीं है, हमारे समाज की छोटी सोच इतनी छोटी नहीं है कि इस तरह की दकियानुसी बात पर विश्वास करे या इस तरह की बात समाज में करे। आगे स्टेशा कहती है कि मुझे आप देख लीजिए, मेरा जो जन्म हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है, मैं अपने पापा को आज तक कभी नहीं देखी हूं। ऐसे ही मेरे पापा एक दिन मुझे मेरी माँ के पेट में डालकर चले गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं आए, मैं अपने पापा का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन आज तक मुझे किसी ने हरामी नहीं कहा, किसी ने मुझे नाजायज औलाद किसी का नहीं कहा। मेरी माँ ने बड़े ही शान और शौकत से मुझे पाला है और आज मैं पढ़ लिख कर एक इज्जत की नौकरी कर रही हूँ और अच्छे से रह रही हूँ, इसीलिए मैं तो उस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। ये सब सुनकर थोड़ी देर कैप्टन चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फिलहाल तो मुझे अभी जाना होगा, फिर वो वहां से आ जाते हैं। अब कुछ ही दिन के बाद इन सबको अब अपने स्वदेश लौटना होता है, तो अपने जितने भी फौजी होते हैं वो सब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और एयरपोर्ट दरअसल खाली होता है, और जब सारे फौजी अपने अपनी जगह पर सीढ़ियों से चढ़कर जाने लगते हैं अपने अपनी जगह पर बैठने के लिए, तो वहां पर क्या देखते हैं कैप्टन साहब कि फूलों का गुलदस्ता लेकर स्ट्रेसा खड़ी है। उसको देखकर वहां पर रुक जाते हैं। अब स्ट्रेसा उसके नजदीक जाती है और उनको फूलों का गुलदस्ता देती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कैप्टन साहब कहते हैं, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। वो कहती है, क्या आप मुझे अपना एड्रेस देंगे। इस पर कैप्टन कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो लिखने लगते हैं, लेकिन उनका जो चेहरे का हाव भाव था उसको देखकर स्ट्रेसा कहती है कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगी, मैं तो आपका एड्रेस और फोन नंबर सिर्फ इसीलिए लेना चाहती हूं क्योंकि जब ये बच्चा पैदा होगा तो मैं आपको खबर दूंगी कि ये लड़का है या ये लड़की है। ये सुनकर कैप्टन हैरान हो जाते हैं, फिर वो एक कागज पर अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख करके स्ट्रेसा को दे देते हैं। अब स्ट्रेसा वो एड्रेस ले लेती है और जो गुलदस्ता होती है
होता है उसको अब कैप्टन को देती है और कहती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कैप्टन। ये कहते हुए वो सीधे मुड़ती है और वो चली जाती है। कैप्टन थोड़े देर तो उसको देखते रहते हैं, लेकिन वो कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल जैसे उस देश के लोगों के बारे में लोगों की सोच होती है कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, असभ्य हैं, लेकिन आज वो असभ्य समाज की एक लेडीज ने ही एक सभ्य समाज के कैप्टन को इस हाल में पहुंचा दिया था। तो उसको देखकर बिल्कुल इस बात का अंदाजा लगाया जाता था जा सकता है कि उनका चेहरा एक हारे हुए फौजी की तरह था, क्योंकि जिस जायज या नाजायज या सभ्य और असभ्य समाज की हम बात करते हैं ना, उसको जिस तरह से स्टेसा ने डिफिनेशन दिया था और जिस तरह से उस समाज के बारे में वो बोली थी और उन लोगों का सोच जायज और नाजायज के बारे में जो था, वो एक तरीके से कैप्टन के गाल पे एक तरीके का तमाचा था। कैप्टन चुपचाप उसको थोड़ी देर देखते हैं और उसके बाद सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं जब ये कहानी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और इनके जो राइटर हैं, जिनका नाम है नरेंद्र कुमार टंडन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इसी तरह कहानी आप लिखते रहिए। ऐसे कहानी सुन करके लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। और मेरे कहानी कहने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं लेखक साहब से माफ़ी चाहता हूँ। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।